आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम व्रत में खाने के लिए आप लोगों के लिए आलू फ्राई बनाएंगे। तो आलू फ्राई बनाने के लिए हमने लिए हैं उबले हुए आलू, मूंगफली के दाने और कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और व्रत वाला नमक, देसी घी। हम इसको देसी घी में बना रहे हैं। आप अगर चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में या किसी भी आप जो भी व्रत में तेल यूज करते हो उसमें आप बना के खा सकते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 4 चम्मच देसी घी। आलू फ्राई बनाने के लिए हमने थोड़ा ज्यादा सा ही घी डाला है। अगर आप इसको कम घी या कम तेल में बनाना चाहें तो उसमें भी आप बना सकते हैं। घी गर्म हो गया है, अब सबसे पहले हम डालेंगे मूंगफली के दाने और इनको चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। गैस को हम मीडियम कर लेंगे, तेज आंच पर मूंगफली के दानों को नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे बने रहेंगे तो ये कुरकुरे नहीं होंगे। भुनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में दाने भुनकर तैयार हो जाते हैं। दाने भुन चुके हैं, अब हम डालेंगे आलू। अब हम कढ़ाई में ही इसके इस तरीके से 4-4 पीस कर देंगे। आप अगर चाहें तो पहले भी इनके पीस करके डाल सकते हैं। आलू के पीस ज्यादा छोटे नहीं करेंगे, नहीं तो ये चलाते चलाते एकदम से आलू सारे टूट जाएंगे और ये मिक्स हो जाएंगे, इसलिए आलू के पीस को थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे। ऊपर से डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। आलू और मूंगफली के दानों को हमने चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब ये हल्के ब्राउन हो गए हैं, हल्के से लाल लाल दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। व्रत के आलू फ्राई बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। आलू फ्राई बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इनको एक बार जरूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये डिश कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये व्रत की डिश अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।